बगहवा गांव में विगत माह हुई मारपीट मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अन्य 9 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित ने उठाई मांग। पूरा मामला बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धनहा थाना क्षेत्र के बगहवा गांव की है, जहां विगत 28 जून को जमीनी विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक महिला व पुरुष जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज कहवा PSC में कराया गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को डॉक्टर अनंत कुमार ने जिला अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया था, जिसके आलोक में धनहा थाना को एक लिखित आवेदन देकर अवगत कराने के बाद धनहा थाना की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित ने अन्य 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। बता दें कि पीड़ित कोयली देवी पति विनोद यादव ने धनहा थाना को एक लिखित आवेदन देकर 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें 3 की गिरफ्तारी के बाद अन्य 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धनहा थाना अध्यक्ष से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। कैसे झगड़ा हुआ है? झगड़ा हमारे नाम से पट्टा जमीन है, तो उसमें एक बार घर बना रहे थे लोग, तो रोका गया, थाना पर आवेदन दिए, ईसवी साहब के लिए पास फोन किए तो रोका गया। उसी तरह था, मामला चल रहा था आवेदन CO के पास, जनता दरबार, लगन यादव और विनोद यादव, बहादुर यादव, लगन यादव, बगाहवा का है। घर बनाने लगे, गोल बंद बना कर 10-15 आदमी औरत मर्दाना जुट गए। हम दोनों लोग द्वार पर थे और एक बाइक आकर मारने लगे, बोल रहे हैं मुआ देंगे, भाग जाओ, जमीन छोड़ कर चले जाओ। लगन यादव, दीननाथ यादव, राम भरोसा यादव, मनोज यादव, हरकेश यादव, सुनील यादव, 9:45। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। क्या नाम है? कोयली देवी। कैसे हुआ, कौन मारा है आपको? मारे हैं ममिता विदांति फलकू मारा। किस बात को लेकर आपको मारा गया है? वही घर के जैसे चढ़ाव तरलो लोग 1000 रोके खातिर। हाँ, इससे पहले हम थाना से लेकर DM साहब के पास भी 3 आवेदन दे चुके हैं, वहाँ से आदेश भी हो गया है। इस मामला को समाधान कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। उसके बाद दूसरा CO साहब आए, हम गए, आवेदन दिए, आए, देखे, बोले किस आधार पर तू काम कर रहे हो, तुम्हारे पास पेपर भी उन लोगों के पास नहीं है, हमारे पास पेपर है। इसके बाद कई बार गए, CO साहब आए, नहीं कि ध्यान दिए, तो DM साहब के बाद इलेक्शन पहले 3-3 आवेदन दिए हैं। DM साहब देकर आदेश किए, हमारा चिट्ठी भी अंचल में आया है, उसका क्रमांक संख्या भी है। इसके बावजूद भी उस जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और वो लोग दबंगई से हमको सब काम करना चाह रहे हैं, मुआ देना चाह रहे हैं। इसका आवेदन दे चुके हैं DM साहब के पास।